नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, ई कॉमर्स डिजिटल स्कीम हकीकत में किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ बोट की तरह है। ये छोटे कारोबारियों के लिए एक इकोनॉमिकल और सस्ती तब्दीलियां ला सकती है। इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रख करके, ख्याल में रख करके एमएसएमई ने ई कॉमर्स B2B पोर्टल का आगाज किया है। ई कॉमर्स गांव और कस्बों के दस्तकारों और छोटे दुकानदारों के लिए अपने छोटे इलाकों से बाहर निकलकर ऑनलाइन ग्लोबल मार्केटिंग के मौके मुहैया करता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज सेक्टर हिंदुस्तान की इकॉनमी में एक बहुत अहम मकाम रखता है। एमएसएमईज हिंदुस्तान की जीडीपी में तकरीबन 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही रोजगार पैदा करने में भी लार्जली कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देते हैं। 6 करोड़ एमएसएमईज तकरीबन 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी तादाद है। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के एजेंडे को हासिल करने के लिए एक अहम रोल निभा रहा है। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट अपने आप में एक अकेला ऐसा पोर्टल है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को जॉइंटली बिजनेस के मौके मुहैया कराता है। तो आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स डिजिटल स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर विद्यासागर सिंह जी, जो कि NSIC के सीनियर जनरल मैनेजर एंड हेड डिजिटल सर्विसेज एंड ट्रेनिंग हैं। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। धन्यवाद मैम। हम आपसे ई कॉमर्स डिजिटल स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC भी पिछले 63 वर्षों से लगातार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में NSIC द्वारा देश को समर्पित है www.msmemart.com, एक B2B वेब पोर्टल, अब बिल्कुल नए रूप में और वो भी पहले से अधिक सुविधाओं एवं विशेषताओं के साथ। समय की जरूरत को समझते हुए NSIC ने MSME मार्ट में बहुत सी नई सुविधाओं को जोड़ा है, जिनमें मुख्यतः हैं प्रोडक्ट जेनेरिक होम पेज, बायर्स एवं सेलर्स के लिए एक अलग सेक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज, यहाँ से उद्यमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एवं फ्रेंचाइजी भी बना सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्क्रैप, अपनी यूनिट का अपग्रेडेशन करते समय या फिर उत्पादन के दौरान बहुत से संसाधन उद्यमी के लिए स्क्रैप बन जाते हैं, परंतु किसी दूसरे उद्यमी के लिए वो संसाधन एक किफायती विकल्प हो सकते हैं। यहाँ से आप अपने ऐसे सामान को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन एग्रीगेशन ऑफ रॉ मटेरियल डिमांड्स, यहाँ आप अपनी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की जरूरत को साझा कर सकते हैं और आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए इसको आगे मैन्युफैक्चरर एवं डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जाएगा। एग्जीबिशन एवं इवेंट्स इंफॉर्मेशन, सदस्य एवं गैर सदस्य यहाँ से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों की जानकारी ले सकते हैं। जब से हमने NSIC के साथ जुड़े हैं और MSME मार्ट का जो पोर्टल है उसमें हमें टेंडर की जो जानकारी है बहुत आसानी से मिलती है। वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल टेंडर्स भी होते हैं जिसमें हम कोटेशन भेजते हैं, अपनी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इससे हमारी कंपनी को काफी फायदा हो। विद्यासागर जी, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आखिर है क्या? देखिए नीता जी, हम ये देखते हैं अपने चारों तरफ कि एक से एक आर्टिसंस और ऐसे कलाकार जो है, जो
अपना छोटा छोटा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्रेट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, उनके शहर के बाहर उनको कोई नहीं जानता। और ये जो स्कीम लाई गई है उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए लाई गई है कि जो सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, छोटे छोटे रोजगार अपना जो है कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी को बढ़ाई जाए ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से। तो इसके लिए जो है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक सपना है कि वोकल फॉर लोकल, उन्होंने एक हमें आह्वान किया है सबको कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, तो वो तभी संभव है जब लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनकी सबको विजिबिलिटी हो, डिस्कवरेबिलिटी हो, जिससे कि हम उनसे सामान खरीद पाएँ। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए एक एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई मिनिस्ट्री की एक प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, उद्यमियों को मार्केटिंग सपोर्ट के लिए एक स्कीम है, उसमें एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये स्पेशली केवल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। विद्या सागर जी, आपने बताया कि ये एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स क्या है, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एडवांटेजेस इसके हैं प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। नीता जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो, देखिए ये हम सब जानते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, एक हिंदी की कहावत है। तो अगर आप जो भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में हैं, अगर वो लोगों को दिख नहीं रहा है तो वो बिकता नहीं है या कम बिकता है। तो अगर आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग पे आना चाहिए। ये जो है मेन पर्पज़ है अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्कीम लॉन्च करने का एमएसएमई मिनिस्ट्री भारत सरकार का। जी विद्या सागर जी, आपने बताया कि अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है और इससे कितने सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन उसे बेचेंगे कैसे, उसमें कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होता है। अभी बताइए कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एमएसएमई जो भारत सरकार का जो एमएसएमई का डेफिनेशन है, उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, तीन तरीके के लोग होते हैं, कैटेगराइजेशन होता है। ये स्कीम जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, और माइक्रो इंटरप्राइजेस मीन्स जो अभी करंट डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से 5 करोड़ टर्नओवर, 0 से 5 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियाँ माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाती हैं। और ये स्कीम उन्हीं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और उसका रीजन है क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं वो तो फिर भी, उनके पास सपोर्ट सिस्टम है, मैन पावर है, या वो ई कॉमर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं कुछ मीडियम इंटरप्राइजेज, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो माइक्रो इंटरप्राइजेज को है कि वो ऑनलाइन आए, क्योंकि वो लोग अभी भी ऑनलाइन चीज़ों से थोड़ा सा मैं कहूँ अगर शायद सहमते हैं, या उनको इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, तो वो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए रखते हैं। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, उन माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए ये स्कीम लाई गई है। जी विद्या सागर जी, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए खास तौर से ये स्कीम लेकर आई गई है। ये बताइए कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह के यूनिट्स इसका फायदा उठा सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। एमएसएमई में जो है दो कैटेगरी होती हैं भारत सरकार के डेफिनेशन के हिसाब से, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों कैटेगरीज होती हैं, और ये स्कीम दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट चाहते हैं, तो भी आप जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और आप अपने बिज़नेस को, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं अपने शहर से बाहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इवन ग्लोबल लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं, तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर के लिए ये स्कीम एलिजिबल है। तो ये अगर आप देखें तो एमएसएमई के डेफिनेशन में भारत सरकार में दो कैटेगरीज होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक सर्विस होता है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का सामान हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो सकता है, कंज्यूमर यूज़ के लिए हो सकता है, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। और आप अपने उन प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट ले सकते हैं इस स्कीम के थ्रू, और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वैसे ही जो सर्विस कैटेगरी है, सर्विस में भी आजकल अगर आप देखेंगे तो सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े हर कोई चैलेंजेज हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या प्लांट सेटअप करना पड़ता है, और आजकल लोगों की नीड्स भी बहुत ऐसी बढ़ती जा रही है हमारी और आपकी, जिससे कि सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ रहा है तेज़ी से। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की सर्विस इंडस्ट्रीज, आप सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप किसी सरकारी विभागों को सर्विस दे रहे हों, आप जो है कोई ट्रैवल टूरिज़्म या हाउसकीपिंग
सर्विसेज है, मैन पावर सर्विसेज है, इससे किसी भी प्रकार की अगर आप कोई सर्विस कर बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय और आगे बढ़े और ज़्यादा बायर्स आपको मिलें और ज़्यादा लोग जाने और आपको ज़्यादा इंक्वायरी बिजनेस इंक्वायरी जाए, तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट के थ्रू आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। विद्या सागर जी, आपने बताया कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही तरह के यूनिट का फायदा उठा सकते हैं। अब अगर कोई अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे रजिस्टर करा सकता है अपने आप को, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? मैम, अगर कोई ऑलरेडी ये स्कीम प्राइमरली उन MSMEs के लिए या अगर मैं कहूँ तो माइक्रो उद्यमियों के लिए है जो कि ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और उनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो स्टार्ट कर चुके हैं चाहे वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हों या फिर ऑलरेडी कुछ करोड़ टर्नओवर या कुछ लाख या करोड़ टर्नओवर कर रहे हों, तो उनके लिए है और ये बहुत ही आसान है ये। तो अगर किसी को इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो उसको वो ऑनलाइन घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठे हुए भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। उसके लिए जो NSIC जो भारत सरकार की एक संस्था है, राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड, वो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एक पोर्टल चलाती है MSME ग्लोबल मार्ट। और ये जो एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये MSME ग्लोबल मार्ट के माध्यम से ही माइक्रो यूनिट्स को जो उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए सपोर्ट देता है। तो अगर कोई यूनिट इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है तो बहुत सिंपल है, या तो वो खुद ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको MSMEmart.com जो कि वेबसाइट है इस पोर्टल का MSME ग्लोबल मार्ट का, उस पर जा करके वहाँ पर जो है ज्वाइनस एक का टैब दिखेगा, वहाँ पर जा करके वो अपने को सेल्फ रजिस्टर कर सकता है। और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम, पता, ईमेल आईडी, लोकेशन, ये ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, ईमेल एड्रेस, किन प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ये उस आपको वहाँ पर भरना होता है। और लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसके लिए आपको माइक्रो यूनिट्स के लिए ही ये स्कीम है, तो आपको उस को बताना पड़ेगा कि आप माइक्रो हैं, तभी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस तभी मिलेगा। और वो माइक्रो यूनिट होने का जो डॉक्यूमेंट है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का, जो कोई भी MSME जो भारत सरकार की कोई भी स्कीम से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडी या सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, और वो उसके बाद ही भारत सरकार की MSME मंत्रालय की किसी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूँगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही आसान है और फ्री है जी। ये बिल्कुल फ्री है और आप अपने घर बैठे या अपने ऑफिस में अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू खुद से कर सकते हैं। udyamregistration.gov.in ये पोर्टल है, वहां पे जाकर के आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भर के आपको जो है आपको डिटेल मिल जाती है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप माइक्रो हैं, मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो हैं या सर्विस माइक्रो हैं या मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल हैं या फिर सर्विस स्मॉल है, इस तरीके से कैटेगरी होकर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपके पास वो उद्यम सर्टिफिकेट है तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना उद्यम नंबर डाल करके, इनफैक्ट अगर आप MSME मार्ट पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो डाल करें और वो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल फेच कर लेगा और वेरीफाई कर लेगा कि आप माइक्रो यूनिट्स हैं और आप एलिजिबल हैं, आप आगे बढ़ करके और इस अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो नॉर्मल फीस है वो पोर्टल के जो मेम्बर्स के लिए वो जो है 6,000 रुपये सालाना है और उसके अलावा GST, लेकिन माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 75% सब्सिडी, 25,000 रुपये तक का प्रोविजन है। तो आपको अपने आप ही वो पोर्टल में आप जब उद्यम नंबर डालते हैं और आप वेरीफाई कर देते हैं कि आप माइक्रो इंटरप्राइजी हैं तो आपको 75% सब्सिडी लग के डिस्काउंटेड फीस ही आएगा और उसको आप पे करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर सकते हैं। जी विद्या सागर जी, आपने बताया तमाम तरह के बेनिफिट्स आपने गिनाए जो कि MSME ग्लोबल मार्ट के मेंबर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो लोग MSME ग्लोबल मार्ट के मेंबर नहीं हैं, क्या वो भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे? तो अगर कोई भी माइक्रो यूनिट है जो कि अभी तक ऑनलाइन मार्केटिंग या MSME ग्लोबल मार्ट पोर्टल पे मेंबर नहीं है या फ्री मेंबर है, वहाँ फ्री मेंबर का भी प्रोविजन, अगर वो ऑलरेडी फ्री मेंबर है तो वो अपग्रेड भी कर सकता है अपने आप को और ये सपोर्ट जो है 75% सब्सिडी का ले सकता है। कोई नया मेंबर जो बनना चाहे पेड मेंबर, वो भी उसको भी मिल सकता है। और रिन्यूअल के लिए अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं और आपका 1 ईयर जो है कंप्लीट हो रहा है जब भी, और अगर जो आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो भी आपको ये 75% सब्सिडी मिलेगी।
काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, बार बार मिल सकता है, जैसे कि विद्या सागर जी बता रहे हैं। विद्या सागर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी माइक्रो यूनिट को इस योजना से जो हम बात कर रहे हैं, एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स, किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? हाँ, तो नीता जी, ये देखिए कि जैसा हमने शुरू में कहा कि जो एक से एक ग्रेट आर्टिसंस हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में है, लेकिन उनकी मार्केटिंग उनकी हमेशा से प्रॉब्लम रही है, उनकी वीकनेस रही है मार्केटिंग, उनको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए ये पोर्टल है। और उससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा माइक्रो यूनिट्स को, जब वो इस पोर्टल के मेंबर बन जाते हैं और अपने कैटलॉग वगैरह को वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और ये बहुत आसान है कैटलॉगिंग में भी ना, एक्चुअली वहाँ पर ना किसी को बहुत टैक्स से भी होने की जरूरत नहीं कि बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, वहाँ पे ऑलरेडी पोर्टल पे बहुत ना कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, और आप उसमें से कोई भी टेम्पलेट जो आपको पसंद हो उसको चूज करके वहाँ पे अपनी अबाउट अस कंपनी के बारे में कुछ फोटोग्राफ प्रोडक्ट के और उसकी डिटेल जो प्राइसिंग है और जो सारी स्पेसिफिकेशन है वो आप डाल देते हैं, तो कैटलॉग आपका बन जाता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप इस पोर्टल के मेंबर बनते हैं, आप अपने कंपनी के बारे में और अपने कैटलॉग प्रोडक्ट को आप उस पर जब डिस्प्ले कर देते हैं, तो उससे आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है थ्रू द पावर ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट या ई कॉमर्स जो है वो क्योंकि ग्लोबल है, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर आपको वो देख सकता है और आपको इंक्वायरी भेज सकता है, आपके जो है आपको बिजनेस ऑर्डर दे सकता है, और उससे आपका बिजनेस बढ़ जाता है। तो इन जो आपकी ये स्कीम के थ्रू आपकी विजिबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन आ जाते हैं। विद्या सागर जी, आपने बताया तमाम तरह के आपने बेनिफिट्स एडवांटेजेस गिना दिए हैं जो कि एमएसईज ले सकते हैं, साथ ही किस तरह से आप उनको सपोर्ट करते हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप ये बताएं कि क्या मोबाइल के ज़रिए भी वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो लोग उसके अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर आते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं? तो मैं इसको बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसा हमने बताया कि ऑनलाइन जा सकते हैं पोर्टल पे msmemart.com पे, और वहाँ ज्वाइन अस में उनको ऑप्शन मिलेंगे, और वहाँ पे माइक्रो सब्सिडी और सारी जनरल वाले फ्री वाले भी हैं, और वहाँ पे माइक्रो सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन हमने, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया, क्योंकि सारे जो माइक्रो, जो स्पेशली जो माइक्रो यूनिट्स हैं ना, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में होते, बिल्कुल नीचे जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो माइक्रो यूनिट्स वो होते हैं, और वो इनके पास इतना मैन पावर नहीं होता या इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है हमेशा बैठ करके और यू नो वो कहीं भी जो है अपने ऑर्डर के लिए जो है मार्केट में घूम रहे होते हैं, कभी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए, कभी फैक्ट्री में से देख रहे हैं प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। तो हमने उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए या इन सर्विसेज को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया, और मोबाइल ऐप का नाम है एमएसएमई ग्लोबल मार्ट। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑन द मूव चलते फिरते रास्ते में जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप उस ऐप के थ्रू अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी जो सर्विसेज हैं, आपको कोई इंक्वायरी आई हुई है, टेंडर आया हुआ, उसको आप देख सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनफैक्ट हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एक सुपर ऐप है उमंग, शायद आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और ये उमंग जो है गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि जो गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन सर्विसेज है सब कुछ एक ऐप पे अवेलेबल हो जाए, ताकि अलग अलग जगह पे न जाना पड़े। तो हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो उमंग सुपर ऐप है अपनी एमएसएमई ग्लोबल मार्ट की सर्विसेज को उमंग पे भी लिस्ट कर दिया है, ताकि अगर जिनके पास उमंग है तो वहाँ पे भी ये उसको सर्च करके और उस सर्विसेज को ले सकते हैं। एंड विद इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस देर आर यू नो एचएस कोड्स होते हैं जिसके बेसिस पे कैटेगरी का क्लासिफिकेशन होता है। तो इस पोर्टल पे 86 कैटेगरीज और 1462 सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन एचएस कोड वो डिफाइंड हैं, और वो ऑलमोस्ट सिंस ये हम लोग ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, सारी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में हो, आप इसमें आप ये अश्योर रहें कि आप कवर्ड हैं, और आप पोर्टल पे जा करके जब रजिस्टर करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी चूज करने का, और सब कैटेगरी ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, आप उसमें जो भी आपकी नियरेस्ट आपको लगता है कि ये मैं मैन्युफैक्चरिंग में ये कैटेगरी में फॉल करता हूँ, उस कैटेगरी और ये 1462 उसके बाद सब कैटेगरीज में आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आप इससे रिलेटेड सर्विसेज अपनी ले सकते हैं।
तो विद्या सागर जी, आपने बताया कि माइक्रो एंटरप्राइजेस किस तरह से अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज दें कि अगर वो माइक्रो एंटरप्राइजेज उनका बिजनेस है तो कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं, कितना आसान है और क्यों उनको ऐसा करना चाहिए। अगर आप कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, कर रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं आप, और उसको आप अपनी जो लोकल बाउंड्रीज हैं जो आपके सिटी की, स्टेट की, उससे आगे ले जाना चाहते हैं, नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप भारत सरकार की इस जो इनिशिएटिव है इसको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही 75% सब्सिडी, एनुअल मेंबरशिप, कैटलॉगिंग और एडवर्टीजमेंट सब कुछ के लिए अवेलेबल है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो ग्रोथ है बिज़नेस का वो बहुत आसान, जैसा मैंने बताया 24/7 365 डेज आपका प्रोडक्ट जो है विजिबल हो जाता है और आपको इंक्वायरीज बढ़ जाती हैं, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं और इस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को ई कॉमर्स डिजिटल स्कीम MSME पोर्टल पर कैसे और कहां रजिस्टर कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे पोर्टल का नाम msmemart.com, जिसे आप देख सकते हैं। ये है हमारी B2B पोर्टल msmemart.com। यहाँ पे आप जॉइन अस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो हमारी B2B पोर्टल है, बायर सप्लायर को के लिए मैचमेकिंग जो प्लेटफॉर्म है, उनके सारे मेंबरशिप फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसे आप देख सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप प्लान है माइक्रो यूनिट्स के लिए, जो हमारा गोल्ड मेंबरशिप 75% सब्सिडी जो है, फिर SC ST यूनिट के लिए जो हमारी मेंबरशिप, और यहाँ पे ये फ्री ट्रायल के लिए 30 डेज के लिए बेसिक मेंबरशिप जो है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे, जैसे कि कोई नई यूनिट है उनको रजिस्टर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिर वो अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, जैसा कि एंटरप्राइज सोशल कैटेगरी, फिर ब्रांच, फिर उनका URN उद्यम नंबर, पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स वो फिल करते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एंटरप्राइज, अगर माइक्रो है तो वो माइक्रो सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरीके से। GST नंबर, सारी डिटेल्स फिल करके वो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद उनको जो है उनका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उनको उनके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। फिर जो है यूनिट उनके अकाउंट में लॉगिन कर सकती है और अपने अकाउंट्स में वो अपने प्रोडक्ट्स सारे जो है वो पोस्ट कर सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारी जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ये हमारी सारी कैटेगरीज है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करोगे तो जैसे बताया कि यहाँ पे 86 कैटेगरीज है और 1426 सब कैटेगरीज है इसके अंदर। तो ये सारी कैटेगरीज है, तो मेंबर अपने कैटेगरी सिलेक्ट करके, चूज करके रजिस्टर कर सकते हैं। उद्यमी माइक्रो रजिस्टर्ड मेंबर हूँ और मुझे यहाँ पे सब्सिडी अवेल करनी है तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं जॉइन अस पे क्लिक करूँगा। जॉइन अस पे क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो यूनिट 75% सब्सिडी है माइक्रो यूनिट्स के लिए। मैं नीचे ब्राउज करूँगा और ऑटोमेटिकली मुझे, आप देख सकते हैं कि मुझे एज अ मेंबरशिप जो जनरल मेंबर्स हैं उनको कितना पे करना है, एज अ माइक्रो यूनिट मुझे बेनिफिट मिल जाता है और मुझे कितना पे करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रोसीड विद प्लान पे, और प्रोसीड विद प्लान पे क्लिक करके जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं उद्यमी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके मुझे पहले रजिस्टर होना होगा। और अगर मैं यहाँ पे, ये इनकी साइट है उद्यम पोर्टल की, यहाँ पे जाके मुझे पहले रजिस्टर होना होगा और उसके बाद ही मैं ये सब्सिडी अवेल कर सकता हूँ जो मुझे बेनिफिट मिलेगी जिसकी। और अगर मैं ऑलरेडी उद्यम रजिस्टर्ड मेंबर हूँ माइक्रो यूनिट के अंदर
तो मैं यहाँ पे सारी मेरी डिटेल्स फिल करूँगा, जैसे उद्यम रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद टाइप ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पे टाइप ऑफ एंटरप्राइज में माइक्रो सिलेक्ट करके मैं नीचे जाके मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर होने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आफ्टर 24 आवर्स रिसीव हो जाएगा, जिससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया वैसे ही ये एक फॉर्म ओपन हो गया। ये फॉर्म ओपन होके मुझे मेरी डिटेल्स भर देनी है, बिकॉज वाई आई एम कॉन्टैक्टिंग दिस एडवर्टाइज़र, मुझे इनके प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़रूरत है, या मुझे इनसे या इनको इनकी अगर कोई सोर्सिंग नीड है जो मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, या फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी फॉर वॉट एवर रीज़न जो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है, मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी है और मुझे इनके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट है, मैं ये फिल करके डिटेल्स सबमिट कर दूँगा। जैसे मैं डिटेल्स सबमिट कर दूँगा वैसे ही मुझे ये लीड हमारे जो डैशबोर्ड जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अंडर मैनेज लीड्स में प्रमोशनल लीड में ये सारी लीड्स मुझे प्राप्त होगी। मैं अपने प्रोडक्ट्स चाहता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकूं, तो मैं ये प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा था तो मुझे ये माइक्रो सब्सिडी के बारे में पता चला। और जैसे कि मैं एक माइक्रो यूनिट हूँ और मेरे पास उद्यम सर्टिफिकेट है, तो मुझे पता चला कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने तुरंत ही एडवर्टाइजमेंट देखी और मैं MSME ग्लोबल मार्ट की ऐड देख के मैंने अपने आप को रजिस्टर किया और मुझे अच्छी सब्सिडी भी मिली और मुझे कम प्राइस पे मैं एज अ मेंबर बन गया, पेड मेंबर, और आज मुझे बहुत अच्छी इंक्वायरीज आ रही है। रजिस्ट्रेशन भी बहुत इजी और आसान था और आज मुझे अच्छी इंक्वायरीज आ रही है और मैं आज अच्छे अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रहा हूँ काफ़ी देश भरों में। एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस के जरिए देश के हर हिस्से से छोटे और घरेलू कारोबारी और लोकल कारोबारी अपने कस्टमर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कस्टमर्स को भी मल्टीपल लोकल कंपनीज में बनाए गए सामान के एक वाइड रेंज से अपना प्रोडक्ट चुनने को मिलता है। NSIC मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के जरिए ग्लोबल B2B पोर्टल से MSMEs को मार्केटिंग ई कॉमर्स मार्केटिंग सपोर्ट मुहैया कराती है ताकि बिजनेस को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। विद्या सागर जी, आपने अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो तमाम जानकारी दी, आई एम श्योर जो लोग भी इसके तहत अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ एक नया रेवोल्यूशन, एक घंटे में 10 मुलाकात।